बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट इज 12x² - 7x + 1। इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो देखिए हमारे सम दिया हुआ है, सम क्या है हमारे पास, दिस इज मिडिल टर्म, सम इज -7 एंड प्रोडक्ट इज 12 × 1 = 12 है। तो हमने इसको -7 को इस तरह से ब्रेक करना है कि हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाने चाहिए और प्लस करें तो हमारे पास -7 आने चाहिए। तो -7 किस तरह से आएंगे, अगर हम यहाँ पे 3, 4 से 12 होते हैं हमारे पास तो माइनस साइन का लगाएंगे, -3 - 4। जब हम -3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 12 आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो गया, -3 - 4 इसके फैक्टर्स बन गए। सो इज इक्वल टू 12x² - 3x - 4x + 1। यहां से अब हमने कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन क्या है हमारे पास, 3 इज कॉमन है एंड x इज कॉमन है। 3x कॉमन ले लिया, 3, 4 से 12, 1x बार निकल जाएगा हमारे पास यहाँ से कॉमन, तो हमारे पास क्या रहेगा 4x, -3 × 1 = 3 एंड x हमने कॉमन निकाल लिया है। -1 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -, -+, -, -+ है तो 4x, -(+, - रह जाएगा हमारे पास -1। सो इज इक्वल टू 4x - 1, 4x - 1 दोनों में कॉमन आ रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x - 1 इज अ कॉमन हियर, 3x - 1। तो दिस इज अ फैक्टर्स ऑफ 12x² - 7x + 1। नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट इज 2x² + 7x + 3। इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टराइज करना है। इसको किस तरह से करेंगे, देखिए मिडिल टर्म इज 7 तो सम क्या आना चाहिए हमारे पास, 7 आना चाहिए। प्रोडक्ट क्या है, 3 × 2 = 6, प्रोडक्ट 6। हमने 7 को इस तरह से ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट हमारे पास 6 आ जाए और जब हम ऐड करें तो हमारे पास +7 आ जाए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, अगर हम इसको लेते हैं 6 + 1, 6 × 1 = 6, 6 + 1 = 7। सो देयरफॉर इक्वल टू 2x² - 7x को हमने ब्रेक कर लिया, 6x + x + 3। यहाँ पर हमारे पास कॉमन वैल्यू क्या होगी, 2x कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या रह जाएगा, x + 2, 3 = 6, x हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर देखो इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है हमारे पास, ओनली 1 कॉमन है तो हमने 1 बार लिख लेंगे यहाँ पर x + 3। अभी देखिए यहाँ पे x + 3 दोनों में सेम है, हमने x + 3 जो है यहाँ से कॉमन निकाल लिया, हमारे पास रह गया 2x + 1। सो दिस इज अ फैक्टर ऑफ 2x² + 7x + 3। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, देखिए 6x² + 5x - 6 है -6। यहाँ पर हमारे पास जो सम है, सम क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -6 × 6 - 36 आना चाहिए। हमने 5 को किस तरह से ब्रेक करना है। अभी अगर हम यहाँ पर 9 + 4 ले लेते हैं, माइनस का 9 है, 9 - 4 ले लेते हैं। देखिए 9 में से अगर हम 4 लेस कर रहे हैं तो हमारे पास 5 आ रहा है। अगर हम 9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 से तो हमारे पास क्या आ रहा है, -36। इसके हमारे पास जो मिडिल टर्म को ब्रेक करके आ गया हमारे पास 9x - 4x - 6। सो इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है हमारे पास, 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, 3 और x कॉमन है, 3x हमने कॉमन निकाल लिया, 3 × 2 = 6 और x कॉमन है तो x रह जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट 3 × 3 = 9 और x कॉमन है हमारे पास तो x रह गया माइनस। यहाँ पर देखिए हमारे पास दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, 2 - 2 हमने कॉमन निकाल लिया, -, -, + रह गया, 2 × 2 = 4 और x + 2, 3 = 6 दोनों में हमारे पास सेम है तो हमारा क्वेश्चन जो है सही है। सो 2x + 3 हम दोनों में कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पर, 3x - 2। दिस इज अ फैक्टर ऑफ 6x² + 5x - 6। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट इज 3x² - x - 4। तो हमारे पास सम क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 3, 4 = 12, माइनस का साइन है -12। तो हमारे पास ये किस तरह से पॉसिबल है, 4, 3 = 12 होते हैं अगर हम -4 ले लें और प्लस के 3 ले लें, जब हम इसको प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास -1 रह रहा है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -12 आ रहे हैं। सो 3x² - 4x + 3x + 4 इज इक्वल टू, देखिए x दोनों में कॉमन है, यहाँ पे रह जाएगा 3x - 4 + 1 कॉमन है, यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास,
थ्री एक्स, हमारे पास जो है यहाँ पर है 3x माइनस फोर है, तो हम क्या करेंगे, प्लस वन हमने कॉमन निकाली, यहाँ पे कह रहा है कि 3x माइनस फोर, सो इज इक्वल टू 3x माइनस फोर, हम यहाँ से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x प्लस वन, सो दिस इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस फोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, फैक्टराइज फाइव का फर्स्ट पार्ट, इसको हमने फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, हम इसको सपोज कर लेंगे लेट पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है इसको हमने सपोज कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको बाय ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ऑल फैक्टर ऑफ प्लस टू, हमारे पास जो है ऑल फैक्टर्स ऑफ टू क्या आ जाएंगे, ऑल फैक्टर्स ऑफ टू इज इक्वल टू प्लस माइनस वन कॉमा प्लस माइनस टू। अब हम बाय ट्रायल मेथड से इसमें पॉलिनोमियल में वैल्यू भरेंगे, जब आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वो क्या होगा हमारे पास फैक्टर होगा इसका, सो देयरफॉर बाय ट्रायल मेथड पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, हमने एक्स की वैल्यू क्या भरनी है माइनस वन इन पी ऑफ एक्स में, देयरफॉर पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन का क्यूब माइनस टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस माइनस वन प्लस टू, सिंप्लीफाई करेंगे माइनस वन का क्यूब पावर ऑड है तो हमारे पास माइनस वन आ जाएगा, माइनस टू है इसकी पावर इवन है तो प्लस का वन आ गया, माइनस टू रह गया हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस टू, टू से टू कैंसिल हो गया, वन से वन कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया जीरो, तो देयरफॉर हमारे पास ये क्या बन जाएगा फैक्टर बन जाएगा, सो बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हमें इसको क्या करना है डिवाइड करना है, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है p ऑफ x बाय, अब हम डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल, डिवाइड पॉलिनोमियल p ऑफ x बाय x प्लस वन से करेंगे, सो पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, इसको हम एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करें एक्स को कि एक्स क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास कैंसल, माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। अब हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास साइन माइनस का आना चाहिए, यहाँ पर माइनस थ्री से करेंगे और एक्स एक्स स्क्वायर चाहिए हमें माइनस थ्री एक्स है, माइनस थ्री एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इंटू वन माइनस थ्री एक्स, साइन चेंज हो जाएंगे प्लस और यहाँ भी प्लस का साइन कैंसिल हो गई है तो प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स प्लस टू। अब हम किससे मल्टीप्लाई करें इसको कि हमारे पास टू एक्स आ जाए, टू से टू इंटू एक्स टू एक्स प्लस टू, साइन चेंज हो गया, ये भी साइन चेंज हो गया, दिस इज जीरो, हमारे पास जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास फैक्टर्स, सो देयरफॉर देखिए जो हमें हमारे पास डिविडेंड है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वन इंटू कोशेंट, कोशेंट क्या हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस रिमाइंडर इज जीरो, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन। अब हम क्या करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स एक्स स्क्वायर नाउ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे, हेयर सम क्या आ रहा है हमारे पास माइनस थ्री आ रहा है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारे पास टू आ रहा है, टू इंटू वन टू, तो हम इसके किस तरह से फैक्टर बनाएंगे कि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टू आने चाहिए, प्लस करें तो हमारे पास माइनस वन माइनस थ्री आना चाहिए, तो माइनस टू एंड माइनस वन, सो दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू, एक्स कॉमन ले लेंगे हम, एक्स इज कॉमन एक्स माइनस टू माइनस वन इज कॉमन एक्स माइनस टू आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है यहाँ से, सो इज इक्वल टू हमारे पास जो था एक्स हमने कॉमन लिया यहाँ से तो एक्स माइनस टू आ गया, माइनस वन कॉमन लिया एक्स माइनस टू आ गया, एक्स माइनस टू टेकिंग एक्स माइनस टू इज कॉमन, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वन, सो देयरफॉर जो हमारे पास इसके ऑल फैक्टर्स हैं, सो देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर
सॉरी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वन इंटू जो हमने अभी फैक्टर्स निकाले हैं एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस वन, सो एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस वन ऑल फैक्टर्स। तो हमारे पास इसके फैक्टर क्या आ गए एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस वन। तो इसी तरह से हम ऑल अदर पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे जो हैं सिमिलर फिफ्थ क्वेश्चन के सभी पार्ट्स सॉल्व करेंगे। ओके थैंक यू।